नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडी 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। मृतक अधिवक्ता शिव शंकर दुबे को श्रद्धांजलि। आज फिरोजाबाद दीवानी परिसर में न्यायिक प्रक्रिया के कार्य को करने के बाद सभी अधिवक्ता जैन मंदिर सुभाष तिराहे पर इकट्ठा हुए और हाथ में मोमबत्ती लेकर जैन मंदिर से गांधी पार्क चौराहे वापस सुभाष तिराहे तक पहुंचकर मृतक अधिवक्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रशासन से अपील करते हुए बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करते हुए मृतक के परिवार में एक व्यक्ति को निगम में नौकरी देते हुए मुआवजे की मांग। आज श्रद्धांजलि के दौरान सैकड़ों महिला व पुरुष अधिवक्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। शंकर दुबे की जो क्रूरतम हत्या की गई, उस हत्या के विरोध में हम चल रहे हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई पॉजिटिव कदम उठा नहीं है, आश्वासन बहुत दिया है, लेकिन हम शांतपूर्ण शांति के दूत हैं और गांधीवादी तरीके से शांतपूर्ण मार्च करते हुए हम अपनी मांगों को पूरा करेंगे। हमारी शांतिपूर्ण शक्ति है और जनशक्ति संगठन की जनशक्ति काम आएगी और हम बिना किसी हिंसा के अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आज शांति। क्या क्या मांगें की गई आपकी तरफ से? मांग है कि हमारे शिव शंकर दुबे के हत्यारों को तुरंत जेल भेजा जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और 1 सदस्य को तृतीय श्रेणी की नगर निगम में नौकरी देने का जो वायदा किया गया है वो तृतीय श्रेणी की नगर निगम की नौकरी उनकी पत्नी को दी जाए। शिव शंकर दुबे की शिवशंकर दुबे जी की निर्मम हत्या कर दी गई गोली मार करके, उसके एवज में शासन से अभी तक कोई मदद आई नहीं है। जैसे ही शासन से मदद आएगी वैसे हम आपको बताएंगे, अभी तक कोई मदद आई इसलिए कैंडल मार्च नहीं। कल अधिकारियों द्वारा आपको मांग पूरी कर दी गई थी, उसमें आपने क्या? अभी मांग पूरी नहीं हुई है, मांग जब तक पूरी नहीं तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। ये कैंडल मार्च कहाँ तक निकालेंगे? ये कैंडल मार्च हमारा जो बाजार में जाएगा, बाजार से वापस आएगा, घंटा लग तो जाएगा। हमारे अधिवक्ता श्री शंकर दुबे की हत्या कर दी गई, क्योंकि नाम शांत हुए थे कंडल मार्च निकाल। आखिर कल मांगों को भी कुछ मांगे थी आपकी, जिसको लेकर आज भी हड़ताल रही है, क्या अभी प्रशासन की ओर से आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई है, पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की गई है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक आपका? यहाँ से घंटाघर तक।